हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं अपना आज का जो मेरा ब्लॉगिंग है, अभी मैं इवनिंग मतलब अभी 7:30 हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर गई थी तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं किया। तो मैं अभी शाम से अभी से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। अभी हम डिनर के लिए रेडी कर रहे हैं और देखो यहाँ पे कटिंग का डिपार्टमेंट यहाँ है, तो ये कटिंग का अभी शुरू कर दिया है इसने। और आज हमें इडली बनाना है और इडली ऑलरेडी देखो रेडी है, रेडी हो गया है। यार पानी ज़्यादा हुआ है क्या? एक नीचे पानी क्या नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, भैया हो जाएगा। और हम उत्तपम भी बना रहे हैं, उत्तपम के लिए यह अलग है और ये इडली का बैटर है। और हम चटनी के लिए भी मैं रेडी कर रही हूँ। चटनी के लिए मैं यहाँ पे देखो अभी साउथ इंडियन स्टाइल में बनाने जा रही हूँ और सब रेडी करके रखा है मैंने, सब ये रेडी करके रखा है। और बस अभी इतना ही, अभी से अब मैं अपना ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। बस आप लोगों को मैं दिखाऊँगी मैं कैसे खाना बनाती, मतलब कैसे हम बनाते हैं चटनी और ये सब। चलिए आज का ब्लॉग शुरू होता है और अब बनाने जा रही हूँ चटनी। चटनी के लिए अब सुनो, ये भी कर रहा मैं ना, तुम तो कभी इसको दे दो। कैसे अभी चटनी तो बने नहीं, अब मेरा चटनी रेडी हो गया है नारियल का। वाह क्या तीखा तीखा खुशबू आ रहा है, क्या थी नाक में छुक कर रहा है। तू बोली कि साउथ में तो बोल रही ना दाल की तरह पीते ऐसे सब, मतलब चटनी अच्छा पीछा पीछे। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी, अब ये सब रेडी है, उत्तपम का भी रेडी है। बस अब इडली हो गया ना, तो खाना ही बाकी है ना। अब हमारा चटनी होने जा रहे है रेडी। चटनी बनाने के लिए इसको ढक देना, तो ही उसका खुशबू जो अंदर घूमता रहता है तो अच्छे से खुशबू इसमें बैठ जाता है। अब हमारा इडली का देखो, अभी इडली का हमारा ख़त्म हो गया काम, अब हमारा बनने जा रहे उत्तपम। और उत्तपम का शेफ यहाँ पे है ना, ये है हमारा उत्तपम। सुपर चटनी अच्छी, सुपर उत्तपम अच्छा, सुपर बहुत मस्त है, बहुत मस्त कहती, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। खाया तो नहीं आपने? हाँ एक खाया, सब बहुत मस्त हुआ है, सीरियसली है। पहली बार ही मेरे हाथ से चटनी अच्छा हुआ, किसी को भी चाहिए तो कमेंट कर लेना, रेसिपी दे देना, रेसिपी मैंने के लिए साउथ में जाना पड़ेगा। अभी साउथ से लेना भाई। अब खाने की पीने की बारी, मुझे बैठ ना, अब टेक दिस, तो खा ले ये बनकर। हाँ लेकिन लाओ तो है, इसी में ले जाना। इसमें बताओ एक डिनर में कितना सारा हमने आइटम बनाए। अब देखो ये एक और पराठा भी बन जाएंगे रात के लिए, ये फिर हमारे सबसे मैडम है ना छोटी सी, बस उसके लिए ये पराठा,
बेजरी ये बहुत तूफान करे से बोली दे घर के बाद हम सब अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए, तो अचानक कैतिया के बोली कि नीचे सांप आया है चलो देखने, तो फिर हम भाग के गए नीचे। इन्हें आई ना पिटाई करो बोलो करने। बहुत तूफान करे छे बोलो जावा देने अभी तू आज हमारे घर में सांप आया है। नहीं ये हमें ना बंगला में है। अच्छा वो वाला आमा मामा लाइन में तू आ भाई अरे झूठ वो अजगर होगा जो उस दिन जो अब फिर से हमारे घर में सांप आया है। देखो ये देखो यार बहुत सांप निकलता है रे रीचा कहाँ है आप लोग वहीं पे वॉच रखो तो फिर वही होगा जो यहाँ गांव में आ रहा है यहाँ पीछे के लाइन में आया था ना। एक दिन आपके घर पे आता छाती आंटी मैं तो जाऊंगी देखने। हाँ चल देख यार ये सांप बहुत आटा मारने लगे तूने देखा था कितना सांप निकलता है यार देखा तुमने रीचा देखो माय गॉड बहुत बड़ा है जो इसको फोटो इसने वीडियो करके रखा है वो अंदर गया है बोल रहे अभी तो बाहर निकालेगा ना बाबे बुलाया है उसको है कहाँ है अभी कहाँ है क्या है इतना मोटा है इतना मोटा तुम जो आपको ड्रैग मम्मी बाहर आओ अगर तुम कभी शर्मा मम्मी चलो सांप देंगे बाहर आ जाओ ऐसा बोल रहे हार्दिक हेलो आज मम्मी को ले जाना है सांप दिखाने डरपोक मम्मी को दिखा दो इतना बड़ा और ये जो पीछे के साइड एक निकला था बोला ना वही है सेम इसीलिए मना करती हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पे खेलना ही नहीं है इसीलिए मना करती हूँ इसको दिखा देना वो उसको बोलना और ओ माय गॉड ठीक है पर वो उधर जाएगा ना तो उधर सिमट के रह जाएगा इट्स अ आदमी को बुलाया है सांप पकड़ने के लिए अभी और अभी जस्ट देखो ये गाड़ी आया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फोन करके बुलाया है पता नहीं देखो अंदर इसीलिए कबीश पे बोल रहे कि कबीश मैं इसीलिए खोए कबीश कहाँ है थैली से मोटी आपको प्लास्टिक में झार करने का सुबह पर तो देवरा देना लेकिन काफी मेट्रो नहीं आ गया मां ऑब्वियसली मेरे जितना लंबा है तो हां कंपेयरिंग में हाइट होता है ये देखो बिल्लियां इधर घूमती किसी काम की नहीं है थैली नहीं जार चाहिए होगा जार जार देख बेटा जार जो भी बड़ा हो वो ले ले और सुनो इसके अंदर गया है इसके अंदर गया है क्या बोलना चाहते ये पीछे एक बोल रहा था कि यहाँ पे भैया और ज्यादा तो लाइट नहीं ला सकती लागे आप जाओ ना पर पीछे इधर जाओ ना बाबा ये दीवार के पास जाओ जाओ इतनी भी डेरिंग नहीं है मेरे अंदर वो आगे बोले कि आप जाओ देखा वो बैठा देखा ना देख देख दिनेश तुम्हें हम आ भी जाओ ने प्लीज बोली आवाज कर रहे बहुत तो तू आवाज कर रही
माय गॉड मैं तो भागी जाऊं। जो आवाज तो सुनो, लंबा बांबू होगा तो भी दे बेटा, छोटा सा भी चलेगा। ये बांबू मोटा वाला है ना, वो दे दे। ओ माय गॉड आवाज सुनो। हाँ प्लीज, आप भले आप टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल अलर्ट होगी। ये लकड़ियाँ सिलेक्ट करिए। पहली बार देखा मैंने, देखे ओ जिग्नेश हट्टूड़ी आम रहे ना तू? नहीं डैडी, आप प्लीज बाहर रहो ठीक है। पाची बिक तो मुंह लाए चापली देखनी है, एक चापली फिर ब्राउन है, ब्राउन ब्राउन है, ब्राउन मेरे जितना लंबा है, एग्जैक्ट 5 फीट। आप लोग मेरे जैसे छोटा एक दबाव नहीं हो गया यार इससे। मैं तो यही पहन के आई, इतना जोर से आवाज आ रहा था तो मुझे तो मैंने बोला मुझे लगा। अरे यार उससे भी मोटा है वो। सुनो मैं खींच के आती थोड़ा आगे आते इधर इधर रखो दिखेगा आपको, देखना है वो पीछे बॉडी है अंदर नहीं जा। हां कोबरा, कोबरा रसल वाइपर, वाइपर रसल देख सकते हैं सीधा ढक्कन ऊपर है, ढक्कन लेके वो ऊपर अटैक करेगा। बहुत उसने वो बड़ा फुल साइज कहां था अंदर उसके अंदर हम लेके भारी है यहाँ। हाँ बहुत बड़ा है, हमने देखा इतना बड़ा है, भारी है वीडियो ले। हाँ तो सुनो वैसे उन्होंने कर दिया है ना, ये तो दिख रहा है वो आपके पास है ना, वो डब्बू ए थी इतने इतने रास रास देखना है तेरे को, देख रहा है हाथ लगाओ तो नहीं काटेगा। थोड़ा जंगल में ले जाना आपके उधर फॉरेस्ट में ये सोसाइटी में घूमता रहता है। क्या है पीकॉक? पीकॉक पकड़ के लाए, पीहेन है, पीहेन दिखो ये रहा। मैं हूं मैं हूं मुझे लाइक फोन का दिखेंगे वो सब थोड़ी दिखाएंगे, ये रहे ये देखो लाइट जो देखो 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 देखो।